हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेल्कम बैक टू गेट स्टाइलर्स सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस मॉडल की, इसको हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक रिब ये लगी हुई है, एक रिब ये और एक रिब ये लगी हुई है, और उसके बाद ये शाफ्ट है हमारे पास, और यहाँ पे होल्स लगे हुए हैं, और उस तरह से एक प्लेट है हमारे पास, और एक शाफ्ट है यहाँ पे एंगल भी है जो, ठीक है। सो इस पूरे पार्ट को हम किस तरह से बनाएंगे, और इनकी डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज हम रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं। सो आप रेगुलर हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एन, पार्ट मॉडलिंग में चले जाएंगे, और फर्स्ट प्लेन फ्रंट प्लेन ऑन कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा, देखिए हमारे पास यहाँ पे रेडियस दे रखा है 55 का, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीन सर्कल्स दे रखे हैं। इस तरह से इनको हम सर्कुलर पैटर्न कर सकते हैं। तो बाहर वाले का जो डाया हमारे पास दे रखा है वो 20 दे रखा है, और अगर हम दोनों की बात करें तो अंदर वाला 10 है और बाहर वाला 20 है, क्लियर है। तो यहां से इन सभी को हम क्रिएट कर लेंगे। सो हमारे पास कितना आ रहा है, 55 मल्टीप्लाई टू, सो 110 का डाया आ जाएगा। एंड देन यहां पे दो सर्कल ले लेंगे हम, सो एक है आपके पास 20 का डाया, और सेकंड है आपके पास 10 का डाया, और इसको अभी हम सर्कुलर पैटर्न कर लेंगे। सो सिलेक्ट बोथ द स्केचेस एंड एंटिटीज, हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी, ओके कर देंगे। और अभी हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे सेंटर पे सर्कल्स दे रखे हैं, ये वाली शाफ्ट है हमारे पास। सो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए हमारे पास बाहर वाला जो है 42 है, अंदर वाला 24 है, एंड देन उसके बाद हमारे पास जो सेंटर वाला है, बिल्कुल इन दोनों के सेंटर का, वो है 34। तो तीन सर्कल है, 34, 25 एंड 42। सो यहाँ पे हम तीन सर्कल ले लेंगे, फर्स्ट ये, सेकेंड एंड थर्ड। सो देखिए हमारे पास ये वाला सर्कल थोड़ा सा आउट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इन कंसेंट्रिक कर देंगे, क्लियर है। अब तीनों को हम डिफाइन करेंगे, तो फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है 42 का आ रहा है, और देन हमारे पास सेकंड जो आ रहा है वो आ रहा है 34 का, लास्ट वन इज 25, क्लियर है। ये तीनों सर्कल हमारे पास आ चुके हैं, और इसको क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने से पहले हमें एक चीज और करनी है, यहां से ये जो स्केचेस है इनको रिमूव करना है, इस तरह से, क्लियर है। सो ओके कर लेंगे, देन इसको वन बाय वन एक्सट्रूड कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा, देखिए जो हमारे पास ये वाले होल्स हैं, ये हैं 10 mm एक्सट्रूड हुए हैं, और ये वाला जो प्लेट है हमारे पास 8 mm एक्सट्रूड है। सो स्केच एक्सट्रूड, एंड देन ये देखिए हमारे पास ये प्लेट आ जाएगी, और इसको हम 8 mm एक्सट्रूड करेंगे, और हमारे पास ये जो बाहर वाले सर्कल है इनको कितना एक्सट्रूड करेंगे, 10 mm। सो ये आ जाएगा, एंड देन इसको हम 10 mm वैल्यू देंगे, ओके कर देंगे। अभी इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो सेंटर वाले सर्कल्स बनाए थे ना, वो किस वजह से बनाए थे, बिकॉज हमें शाफ्ट बनानी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये 42 का जो बाहर वाला डाया है, और यहां तक एक्सट्रूड है, और एक्सट्रूड की जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है वो यहां तक दे रखी है, 40 + 11 कितना हो जाएगा, 51। और उसके बाद जो अंदर वाला सर्कल होगा वो हमारे पास कितना होगा, 25। सो प्लस कर देंगे उसमें। सो सबसे पहले हमारे पास ये दो बाहर वाले सर्कल हैं, सो इनको करना है हमें 51 एक्सट्रूड,
एंड देन इसके बाद अगेन स्केच को पिक करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, और अब की बार हमारे पास ये वाले सर्कल है और इनको कितना एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे +25 और ये हमारे पास एक्सट्रूड हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है? तो हमारे पास ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रिब जनरेट करेंगे यहाँ पे। तो रिब की विड्थ जो हमारे पास है वो है 5 mm। क्लियर है? बट रिब हमारे पास एंगल पे है, दोनों का एंगल दे रखे हैं हमारे पास 120। इट मीन्स हमें प्लेन यहाँ पे चाहिए। क्लियर है? तो प्लेन बनाने के लिए अभी हमें क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्केच क्रिएट कर रहा हूँ। सो यहां से मुझे एक स्केच चाहिए इस तरह से, और इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से हमें ये प्लेन लेना है और सेंटर पे भी मेरे को एक लाइन चाहिए इस तरह से। ठीक है, अब ये दोनों लाइन की हेल्प से हम एक प्लेन लेंगे। सो रेफरेंस प्लेन, फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये वाली लाइन, सेकंड हमारे पास आएगी ये वाली लाइन। सो आप देख सकते हैं दोनों के रेफरेंस में हमारे पास एक, देखिए प्लेन क्रिएट हो गया। सो इसी प्लेन पे काम करेंगे अभी हम। सो इसको आप यहां से रोल व्यू कर सकते हो, और जब आप व्यू ओरिएंटेशन करेंगे तो यहीं पे इसे आप सेट कर दीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पे जो रिब है हमारे पास, उसकी डायमेंशन हमारे पास यहाँ से 23 दे रखी है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक लेंथ लेंगे, कन्वर्ट एंटिटीज, ये वाली जो एज है आपके पास ये कन्वर्ट होगी, और यहां से हम डिस्टेंस चेक करेंगे, यहां से लेकर यहां तक हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है, 24। सो हमने कितना लेना है, ये 23। क्लियर है? सो देखिए राउंड है, तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल कोइंसिडेंट है, और अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां से भी कोइंसिडेंट है। तो इसको आप ट्रिम कर दीजिए, और यहां से ये भी स्केच आपका ट्रिम हो जाएगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं। एक चीज और आएगी आपके पास, देखिए जब भी आप इस तरह से रिब लगाए ना, तो ये स्केच को आप हल्का सा यहां पे मूव कर दें, ताकि आपकी जो रिब है वो कंप्लीट सर्कल को भी कवर कर जाए। तो यहां से हम स्केच लेंगे और रिब क्रिएट करेंगे, तो आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं विड्थ कितनी आएगी, 5 mm। ओके कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से रिब क्रिएट हो जाएगी। नो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कुलर पैटर्न करेंगे, टू एंटिटीज आएंगी, एंगल हमारा ऑलरेडी सेट है बिकॉज इससे पहले हमने एक पार्ट बना रखा था, तो वही वैल्यू ये पिक कर रहे हैं। एंड देन अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे, ये डायरेक्शन आ रही है हमारे पास, तो आपका जो सेकंड पार्ट है वहां बन रहा है, तो इसकी डायरेक्शन को आप रिवर्स कर सकते हैं और आपका जो पार्ट है वो इस साइड आ जाएगा। क्लियर है? सो इस तरह से आप यहां पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया कंप्लीट करेंगे, ये वाली जो शाफ्ट है और ये वाली अंदर जो शाफ्ट है, इन दोनों को बनाएंगे। क्लियर है? सो यहां पे हमारे पास 8 और 18 का डाय दे रखे है, और यहाँ पे इस सर्कल का जो है 32 और 20 का डाय दे रखे है, और दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 25, और यहां से हाइट 40 दे रखी है, और यहां से 28। सो हम क्या करेंगे, टॉप प्लेन पे चले जाएंगे, नॉर्मल कर लेंगे इस तरह से, और अभी हम क्या करेंगे, सर्कल लेंगे। देखिए एक सर्कल जो है हमारा बिल्कुल यहां पे सेंटर पे है, एक है आपके पास 18 का और देन सेकंड है आपके पास 8 का, और हम यहां पे सेकंड सर्कल भी ले लेते हैं। सो एक था हमारे पास
32 और 20 का. सो एक था आपके पास 20 का एंड सेकंड था आपके पास 32 का. क्लियर है? और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 25. इस तरह से क्लियर है ये चीज. सो यहां से हम डिस्टेंस चेक कर लेंगे. यहां से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है? 40 आना चाहिए. और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास कितना आना चाहिए? 28 आना चाहिए. क्लियर है? ये चीज कंप्लीट होगी आपकी. और अब की बार हम क्या करेंगे, दोनों को ही एक्सट्रूड कर देंगे वन बाय वन. सो स्केच पिक करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे और मिड प्लेन से ये दोनों एक्सट्रूड हो जाएंगे. सो कितना यहां पे आपके पास डिस्टेंस दे रखे 44. सो यहां से हम 44 mm इसको एक्सट्रूड कर देंगे इस तरह से. सो अब की बार क्या करेंगे, कट करेंगे. सो एक्सट्रूड कट. सो एक्सट्रूड कट के लिए अभी आपके पास कंट्यूर क्या आएगा, ये जो अंदर वाले दो सर्कल है. सो थ्रू ऑल बोथ साइड ओके कर देंगे तो इस तरह से आपके पास ये कट भी हो जाएगा. क्लियर है? सो अभी हमें क्या करना है, बैक टू गेन टॉप प्लेन आएंगे, स्केच क्रिएट करेंगे इस तरह से. एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास जो शाफ्ट दे रखी है इन दोनों का एंगल कितना दे रखा है, 45. तो यहां से एक लाइन लेंगे 45 और उस पर क्या करेंगे, स्वीप और स्वीप कट करेंगे. क्लियर है? सो डाया आपके पास कितना दे रखा है, एक दे रखा है 20 का और एक दे रखा है 10 का. सो एक लेंथ लेंगे और यहां पे हमारे पास डिस्टेंस भी आ रहा होगा 22 का. सो लेंथ लेंगे यहां से यहां तक और इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा 22 ये चीज. एंड देन हमारे पास एंगल कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा 45 ये. सो इसे क्लोज कर देंगे यहां से. एंड देन स्केच को पिक करेंगे, पहले तो स्वीप बॉस करेंगे. सर्कुलर प्रोफाइल है तो यहां से सिलेक्ट करेंगे और आपके पास कौन सा डाय आएगा सबसे पहले, 20 का. क्लियर है? एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, अभी अगेन स्केच सिलेक्ट करेंगे, स्वीप कट करेंगे, सर्कुलर प्रोफाइल अगेन है और 10 का डाय है, ओके कर देंगे तो ये आपके पास कट भी हो जाएगा. और यहां से हम क्या करेंगे, अभी जो हमारे पास ये एक्सट्रूड था इसका स्केच अगेन पिक करेंगे, एक्सट्रूड कट करेंगे अगेन. अब की बार हमारे पास कंटूर क्या आएगा, जो ये वाला सर्कल है इसको हम थ्रू ऑल बोथ साइड करेंगे, ओके कर देंगे तो ये अगेन कट हो जाएगा. ठीक है? सो इस तरह से आपके पास ये सारा का सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. और यहां पे भी एक हमारे पास ये देखिए, यहां पे भी आपके पास एक रिब थी तो उसको भी हम क्रिएट कर लेंगे अगेन टॉप लेन. सो यहां से हम क्या करेंगे, अभी एक टेंजेंट लाइन लेंगे और यहां तक इसको क्रिएट कर लेंगे, ओके कर लेंगे और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केच को पिक करेंगे, रिब सिलेक्ट करेंगे, फ्लिप मटेरियल साइड ओके कर देंगे तो ये हमारी रिब जो है वो क्रिएट हो जाएगी. और यहां पे आपके पास रेडियस भी दे रखे होंगे, देखिए रेडियस 2 है. सो रेडियस लगा लेंगे, अभी जो हमारे पास एजेस आ रही हैं, ये रेडियस है 2 mm का, यहां से ये एज आ जाएगी, यहां से ये वाली एज, ये वाली और सभी जो एजेस आ रही हैं इन सभी को हम फिलेट कर देंगे. क्लियर है? इस तरह से आपके पास ये सारी रिब कंप्लीट हो जाएगी और फिलेट जो आपके पास है. सो इस तरह से आपके पास ये सारा का सारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो इस तरह से आप इस पार्ट को
बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।